हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधिका क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाने से पहले एक होती क्या है वो डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा पॉलिनोमियल हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स से ही निकली है। तो पॉलिनोमियल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 2 के अंदर कि डिग्रीज होती हैं। डिग्री मीन्स हाइएस्ट पावर। डिग्री बेसिकली क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। अब देखिए, इसी के अंदर अगर डिग्री 1 हो तो उसको हम बोल देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। अगर डिग्री 2 हो तो उसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 हो तो उसको हम बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 हो तो उसको हम बोल देते हैं बाय क्वाड्रेटिक। इतना क्लियर है? तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है? ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, या फिर सिंपल शब्दों में कहें, अगर वेरिएबल एक्स की फॉर्म में मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक्स की हाईएस्ट पावर 2 हो, बाकी जो मर्जी हो सकता है, ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आप लेकर चल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जहां पर ए जो है कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। बिकॉज अगर ए जीरो के इक्वल हो गया तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नलीफाई हो जाएगी, ये सिर्फ एक लीनियर पॉलिनोमियल रह जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इसमें पहले हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं, सॉल्व नहीं करना अभी, अभी हमको सिर्फ चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए एक रामबाण इलाज हमने आपको बताया था, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। चेक कर लो अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जो इक्वेशन सॉल्व करके बन रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और सीधे शब्दों में आप ये याद रख सकते हो कि एक्स की पावर 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एक्स की पावर 2 से सिर्फ कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इक्वेशन ऐसे बन रही है x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो लीनियर है। अगर उसमें x स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, तब x आ सकता है, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ x माइनस 3। क्वेश्चंस करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, एलएचएस और आरएचएस को एक साथ सॉल्व करते हैं, एलएचएस के लिए थोड़ी जगह छोड़ दी, आरएचएस सॉल्व करता हूं मैं। 2x माइनस 6, क्लियर है? 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6। यहां पे होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स। यहां तक क्लियर होगा? ये हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और राइट हैंड साइड पे बना 2x माइनस 6। ठीक है, इस 2x को यहां ले आओ, इस 1 को, 6 को भी यहां ले आओ, दोनों रकमों को उठाकर इधर ले आओ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये 2x इधर आए माइनस 2x, और ये 6 जब इधर आएगा इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस 2x से 2x कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, और यहां पे टोटल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या सर ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहां पर। अरे सर, इसमें तो ये एक्स वाली टर्म ही नहीं है, तो क्या हुआ? ये एक्स वाली टर्म जीरो कोएफिशिएंट के साथ हो सकती है। देखो, सिर्फ एक्स हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर तो होना ही होना चाहिए, वो मस्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, एक्स स्क्वायर होना मस्ट है, और एक्स हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको लिखेंगे यस। इसी तरीके से एक सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं, सारे पार्ट कर लेंगे एक-एक करके। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो, जितने क्वेश्चन हम करते जाएंगे ना उतना आपको अच्छे से समझ आने लगेगा। तो पहले आरएचएस सॉल्व कर लिया, 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, और ये प्लस 2x हो गया, राइट। और यहां पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया, यहां तो सॉल्व ही नहीं करना था लेफ्ट हैंड साइड पे। अब इसको उठा के इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 प्लस 2x, सॉरी माइनस 2x, सॉरी माइनस 2x, ये प्लस का 2x था, इधर आके क्या हो गया माइनस 2x, और राइट हैंड साइड में क्या बच गया, जीरो। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर
माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी हमारी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह बन रही है, जहां पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस फोर है, c की वैल्यू 6 है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है ना ये, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसी ऐसी इक्वेशन बन रही है और एक्स स्क्वायर भी है इसमें, तो ये यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से एक थर्ड पार्ट भी कर रहे थे, फिर वो डिरेस करके आगे करेंगे। थर्ड पार्ट आगे करवा देता हूं, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, कंजेस्टेड लग रहा है मुझे थोड़ा सा, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर लेता हूं, एक सेकंड का टाइम लगेगा। एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन थर्ड पार्ट, आप भी साथ साथ सॉल्व करते रहिए वीडियो के साथ साथ, या वीडियो पॉज कर दीजिए और वीडियो पॉज करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर टैली जरूर करना, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा हाथ इसमें बैठ जाएगा, और जितना हाथ बैठेगा आपको आगे बहुत बेनिफिशियल है इलेवन ट्वेल्थ में। तो x माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और x प्लस थ्री, ये सॉल्व करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया, सी x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, माइनस टू को x से किया माइनस टू एक्स, एक्स को वन से किया x, और माइनस टू को वन से किया तो माइनस टू इज इक्वल टू, एक्स को x से किया एक्स स्क्वायर, x को 3 से किया 3x, माइनस वन को x से किया माइनस वन एक्स, और माइनस वन को 3 से किया तो माइनस थ्री। इतना समझ में आया? अच्छा, अब सारी टर्म्स को उठाकर यहां ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स, चाहे सॉल्व ना भी करो तो भी उठा के ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये याद रखना, जब राइट से लेफ्ट घिसीट के लाओगे ना टर्म्स को, तो ये चीज क्या हो जाएंगी, साइन सबके इनवर्स हो जाएंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। सिंपल सा रूल है ट्रांसपोजिशन का, आपने सीखा होगा छोटी क्लासेस में। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का, खत्म। माइनस टू एक्स प्लस एक्स, माइनस टू एक्स प्लस एक्स, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, ठीक है। और ये क्या बचा, माइनस टू प्लस थ्री, सॉल्व कर लीजिए। माइनस फाइव एक्स, माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स क्या हो गया, माइनस थ्री एक्स, और माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो बची ही नहीं है ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारी नहीं बची, इसका मतलब है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको समझ आ रहा हो अभी, अभी तक तो आपको पता लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर भी करेंगे इसी के साथ, फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर भी सेम इसी तरीके से होगा, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। जरा सॉल्व करते हैं फटाफट से, आरएचएस छोटा है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, इसको जरा सॉल्व करते हैं। एक्स इंटू टू एक्स, टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन एक्स, माइनस सिक्स एक्स, और फिर माइनस थ्री, ये ऊपर नीचे हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, उसको उठा के यहां ले आओ, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू में जीरो। ये वाला माइनस, ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर था, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस फाइव एक्स था, इधर आके माइनस फाइव एक्स हो गया। अब देखिए सॉल्व करते हैं, टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स, माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टेन एक्स, माइनस माइनस प्लस होगा और साइन जो बड़ी डिजिट का होता है वो आता है, तो दोनों बराबर ही थी तो इक्वल वाला आ गया। तो माइनस थ्री, अच्छा ये अकेला ही है तो ये माइनस थ्री, ऐसा कैसे ही रह गया, ये आंसर आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री है, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म बच रही है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फोर्थ पार्ट हो गया, फटाफट से अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट करते रहना, मैंने पिछले क्वेश्चन में नोट करने का टाइम नहीं दिया, लेकिन आई होप आपको समझ आ रहा हूं, मेन पर्पज तो समझना है, क्वेश्चन तो दोबारा से भी हो जाएंगे। अब फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट फटाफट से पार्ट कर लेते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, वीडियो पॉज कर लिया करो और वहां से नोट कर लिया करो, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर नोट करने का टाइम देंगे तो।
ये वीडियो सिक्स है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करना था हमें क्या है, 2x-1 x-3 इज इक्वल टू x+5 और x+1. सेम इसी तरीके से फटाफट से इसको कर दो, वीडियो पॉज करो, पहले सॉल्व करो और फिर आके आंसर टैली करना. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x को x square -6x -x+3 है ना. 2x को x से करा, 2x square 2x को 3 से करा -6x, फिर -1 को x से करा -x और -1 को -3 से करा तो +3. अच्छा फिर आगे यहां पर भी x को x के साथ मल्टीप्लाई करा तो x square आ जाएगा, x को 1 के साथ करा तो x, 5 को x से करा तो 5x और 5 को 1 से करा तो 5. ये बात समझ में आ गई. अब देखिए 2x square, अब सारी टर्म्स को यहां ले आओ, वही वाला पुराना तरीका जो अभी तक हम करते आए, पुराना तरीका कर लो, x² - x - 5x - 5 = 0. ये चीज बनी. अब इस 2x² में से x² को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा, x² -6x - x - 7x - 8x - 5 - 13x. सारे नेगेटिव में थे तो प्लस कर दिया, और क्योंकि सभी नेगेटिव से तो निशान नेगेटिव का आ गया, -9 का आ गया. 3 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव, तो 3 - 5 - 2 हो जाएगा = 0. तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक कर लो. एक्स स्क्वायर वाली टर्म बच रही है ना, इसीलिए भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. फटाफट से नोट कर लो, वीडियो रोक के नोट कर लिया करो तुरंत. सिक्स क्वेश्चन देखो, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर. तो क्या ये भी चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, देख लेते हैं. LHS तो सॉल्व ही नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व है. राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं. होल स्क्वायर वाला फॉर्म में लगेगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab. याद रखना प्लस और माइनस में सिर्फ ए फर्क होता है. प्लस वाले में क्या होगा, a + b के होल स्क्वायर में 2ab के साथ प्लस लग जाएगा, बाकी a² और b² तो दोनों प्लस में ही होते हैं. a² + b² हमेशा ऐसे ही रहेगा. अगर प्लस का फॉर्मूला है, प्लस वाले होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो यहाँ पे +2ab हो जाएगा, और माइनस वाले होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो वहां पे -2ab हो जाएगा. अच्छा यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, x² + 2 - 2x (2ab) है ना, 2 a * b. तो x² + 4 - 4x. ये x² + 3x + 1 तो था ही, अब इसको उठा के यहां ले आए, सारी टर्म्स को यहां लेंगे. x² + 3x + 1 ex इधर ले आए तो ये हो जाएगा -x², ये 4 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -4, इसको यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा +4x. नेगेटिव था ना, -4x था, इसलिए वो +4x हो गया जब उसको लेफ्ट हैंड साइड ले, और राइट हैंड साइड क्या बचा, इक्वल टू की उस तरफ 0 बचेगा, तो 0 लिख दिया. अब x² - x² 0, खत्म, लिखने की जरूरत ही नहीं है. 3x + 4x क्या होगा, 7x +1 - 4 - 3 = 0. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है, बिकॉज यहां पर x² वाली टर्म एलिमिनेट हो गई, x² वाली टर्म बची ही नहीं. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कनेक्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आएंगे. अगर नहीं आ रहे तो कमेंट सेक्शन में बताना, आगे जो क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली अगली वीडियोस में आपको हेल्प उसकी मिल जाएगी. अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कर रहे हैं, फटाफट से अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो. 7th और 8th पार्ट करेंगे फटाफट से. 7th पार्ट क्या कह रहा है, x + 2 का होल क्यूब = 2x (x²-1). अब जिन बच्चों को होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता देख लो भाई, a + b का जो होल क्यूब होता है उसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab² ठीक है. नेगेटिव वाला फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा a³ - b³. बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, अभी बताऊंगा ये कैसे याद करना है. देखो ये फॉर्मूला होता है, यहां देखो b के साथ नेगेटिव है. अब देखो स्क्वायर किसी भी नेगेटिव टर्म का पॉजिटिव होता है, स्क्वायर किसी भी नेगेटिव टर्म का क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो जिसमें b का स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जिसमें b का स्क्वायर नहीं है वो नेगेटिव रह जाएगी. सिंपल,
a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, बिकॉज वहां पे b था सिंगुलर और b यहाँ पे नेगेटिव था, तो जिसमें पावर वन है b की वो नेगेटिव और जिसमें पावर टू है b की वो पॉजिटिव। सिंपल सा फंडा है ना। तो वही चीज लगाएंगे यहाँ पर। अब पहले होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया है ना, तो क्या होगा x का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू टू राइट, फिर प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू टू का स्क्वायर और इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड पे, जगह थोड़ी कम रह गई थी, तो टू को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स क्यूब राइट, और टू को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा टू एक्स। आई होप इतना समझ आ गया होगा, नहीं आया तो देख लो दोबारा से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस टू थ्री इंटू ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले एल एच एस को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये स्टेप है। एक्स क्यूब वैसा का वैसा, टू का क्यूब एट, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू यानी सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और थ्री इंटू फोर, देखो टू का स्क्वायर पहले सॉल्व करेंगे ठीक है, बच्चे यहाँ गड़बड़ क्या करते हैं, सिक्स का स्क्वायर 36 लिख देंगे वो गलत हो जाएगा, पहले टू का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, तो ट्वेल्व एक्स राइट, ट्वेल्व एक्स हो गया। अब इधर क्या बचा था, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, इसको उधर ले आओ, वही जो अभी तक करते आ रहे थे, एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स। ये देखो ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया है ना, और ये ऑलरेडी नेगेटिव था इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा है ना, तो वो पॉजिटिव टू एक्स हो गया। तो ये टू एक्स क्यूब में से एक एक्स क्यूब गया, ये टू है समझ ना आ रहा हो तो, ये टू है, ये बचेगा माइनस एक्स का क्यूब। अच्छा एट के साथ डील करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो एट वैसा का वैसा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी कोई और नहीं थी तो सिक्स एक्स स्क्वायर भी वैसा का वैसा राइट, और ये ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स क्या बनेगा फोर्टीन एक्स। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो इसका आंसर है नो। देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, डेफिनेटली एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है, एट भी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, लेकिन यहां पर ऑलरेडी एक टर्म ऐसी है जो एक्स से एक्स की पावर टू से बड़ी है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाइएस्ट पावर इज थ्री, बिकॉज हाइएस्ट पावर इज थ्री। आई होप आपको यह समझ आया होगा, फटाफट से नोट कर लो इस चीज को, बिकॉज अगला क्वेश्चन भी लंबा लग रहा है मुझे, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी स्पेस चाहिए रहेगा। वीडियो पॉज करो और नोट करो, हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट क्या है, एक्स क्यूब माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर, ओहो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब। तो अब इसमें माइनस वाला होल क्यूब का फॉर्मूला आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसा का वैसा ही है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, है ना, ओहो फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला लगा दो ए माइनस बी के होल क्यूब का। अब ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, ए माइनस है, ए माइनस बी के होल क्यूब का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस सॉरी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री इंटू ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर इंटू बी ठीक है प्लस थ्री इंटू ए ए यानी कि एक्स इंटू बी का स्क्वायर यानी माइनस टू का स्क्वायर। माइनस टू ना बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर स्क्वायर लिखना है पर। इसको जरा सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, एक्स क्यूब माइनस एट का क्यूब क्या होता है, 64 एट सा कर लेते हैं, मुझे 8 का क्यूब याद नहीं, 32 और 848 क्या है 512 माइनस माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टू यानी माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर 4 इंटू टू 12 एक्स, ये चीज बनी, ये अलग है ठीक है, ये चीज बनी, और लेफ्ट हैंड साइड जो था वो तो था एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये था। अब इस पूरी टर्म को उठाकर इधर ले लेकर आते हैं, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स क्यूब
माइनस 512 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 512, ये माइनस 6x2 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 6x2, ये 12x उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 12x और इक्वल टू में 0। आई होप यहां तक समझ आया हो, नहीं आया हो तो दोबारा देख लो, a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² उसके बाद सिंपल सॉल्व किया है, ट्रांसपोजिशन की है, यहाँ से सारी टर्म्स को उठाकर लेफ्ट साइड लेकर आए हैं और राइट हैंड साइड में जीरो बचा है। अब इस एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब खत्म, 0x³ माइनस 4x² प्लस 6x² 2x² दे देगा, है ना, माइनस एक्स और माइनस 12x माइनस 13x दे देगा, 1 प्लस 512 दे देगा। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि यहां पर x² वाली टर्म हमारे पास आई है, हाईएस्ट पावर सिर्फ x² वाली टर्म है, उससे बड़ी कोई टर्म नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में फिर भी बताना, कुछ करेंगे इसके लिए। फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को बोला है कि जो सिचुएशंस दी हैं आपको, जो भी आपको कंडीशंस बताई गई हैं इन स्टेटमेंट क्वेश्चंस के अंदर, इनको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको काफी अच्छा हेल्प करेगा ये आगे क्वेश्चंस के अंदर। सॉल्विंग से पहले अगर आपको स्टेटमेंट बनानी आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो क्या ही बात, तो वही चीज सीख लेते हैं। देखिए इसमें बोला हुआ है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स बेथ। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ना स्टेटमेंट क्वेश्चन में काफी प्रॉब्लम आती है, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन करते टाइम ना हम मैं बेसिकली वो अप्रोच आपके साथ डिस्कस करूंगा जो मैं सोचता हूँ कि मैं किस तरीके से स्टेटमेंट क्वेश्चन को करूंगा। तो देखो यहाँ पर आपको जब भी कुछ अज्यूम करने की बात आती है, जब भी कुछ अज्यूम करने की बात आएगी तो एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज बताई गई होगी, है ना, एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज बताई गई होगी, तो आपने एक्स उसको अज्यूम करना है जिसके रिस्पेक्ट में बात बताई गई है, नहीं समझे। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, लेंथ जो है वो बताया गया है किसके रिस्पेक्ट में, ब्रेथ के रिस्पेक्ट में। देखो लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन द ब्रेथ, मतलब ब्रेथ के कंपैरिजन से, मतलब ब्रेथ से एक ज्यादा लेंथ है, तो आप ब्रेथ को एक्सलेट करोगे, समझे बात को। आपको जो चीज बताई गई होगी और जिसके रिस्पेक्ट में बताई गई होगी, तो जिसके रिस्पेक्ट में बताइए ना उसको एक्स ले लो, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम कर लेते हैं लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है, मीटर्स में बोला था हमने, एक्स मीटर ले लिया। अब कह रहा है लेंथ जो है विड्थ से 1 मोर देन द ट्वाइस, ट्वाइस वर्ड याद रखना, पढ़ा नहीं था अभी तक हमने, 1 मोर देन द ट्वाइस मतलब 2 गुना से एक ज्यादा, है ना। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 2 गुना से एक ज्यादा, 2x+1, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये कैसे करना है, जिसके रिस्पेक्ट में बताया जाता है ना उसको एक्स ले लो, ब्रेथ के रिस्पेक्ट में बताया था, मैं ब्रेथ को एक्स ले लिया, तो ये भी मीटर्स में। अब कह रहे एरिया, एरिया कितना दिया होता हमें 528 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया होता 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या दी हुई थी 2x+1 और विड्थ क्या दी हुई थी x, मल्टीप्लाई कर लो 2x² + x इज इक्वल टू 528, है ना, इसको मान ले जाओ 0 इज इक्वल टू 2x² + x माइनस 528। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 0 तो राइट हैंड साइड पे बनना चाहिए था, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये राइट हैंड साइड भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारी जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड थी इसको सॉल्व करने की वो मिल गई। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे 3 क्वेश्चन और है वो फटाफट से कर लेते हैं, तो वीडियो पॉज करो इसको नोट करो तब तक आगे चलते। तो चलो फटाफट से ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integer, क्या होते हैं भी बात करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integer इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इंटीजर फाइंड करने के लिए हमें सॉल्यूशन सीखना पड़ेगा, वो नेक्स्ट पार्ट है, अभी इक्वेशन जो है वो बनानी सीखेंगे।
तो कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, देखो इंटीजर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इंक्लूडिंग जीरो सारे होते हैं, है ना। तो कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार वाले, जैसे 2 एक इंटीजर है तो 2 के अगला 3 होगा, 4 एक इंटीजर है तो 4 के अगला 5 होगा। तो ये ऐसा बोल रहा है कि दो नंबर, ऐसे दो इंटीजर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 306 आए। देखो ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 306 आ रहा है, ठीक है। इसने बोला लगातार वाले, कॉन्जिक्यूटिव वाले चाहिए हमको सिर्फ। तो एक नंबर को एक्स मान लेंगे, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू एक्स, और जब भी अदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करेगा, अदर या नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट लिखना ज्यादा सही रहेगा, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी एक्स प्लस वन, ठीक है। तो एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर x प्लस वन हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 306 आ गया। सिंपल सी बात है, कह रहे हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बोला था ना, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट जो है 306 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, x को x से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर, और x को 1 से मल्टीप्लाई करा x इज इक्वल टू 306, है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, और ये आंसर आ जाएगा। बस अभी इसको सॉल्व करना नहीं सीखा है, सॉल्व करना 4.2 में सीखेंगे। तीन मेथड्स होते हैं बेसिकली सॉल्व करने के, जो आपके सिलेबस में है, तीन मेथड होते हैं, वो हम सीखेंगे आगे, ठीक है। आप फटाफट से नोट करो और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, इसके बाद एक ही क्वेश्चन रह गया। तो रोहनस मदर इज 26 इयर्स ओल्ड, ओल्डर देन हिम, अच्छा 26 ईयर ओल्ड नहीं बोला, 26 साल उससे बड़ी है रोहन की मदर, ठीक है। तो रोहन की मदर की एज बताई गई है रोहन के रिस्पेक्ट में, तो क्लियरली रोहन की एज को हम एक्स ले लेंगे। तो यहां पर हम क्लियरली यहां पे ले सकते हैं, लेट लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ईयर्स में लेने को बोला था इसलिए ईयर्स लिया, एक्स ईयर्स, और वो उसे 26 साल बड़ी है, तो मदर की एज क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर्स एज is equal to x plus 26 years, यहां तक समझे। अब उसके बाद क्या कह रहा है, the product of their ages, मतलब उनकी ages का product 3 years from now, अच्छा कुछ बच्चे यहीं तक क्वेश्चन पढ़ेंगे, the product of their ages, और यहां पे मल्टीप्लाई करके 306 के इक्वल कर 360 के इक्वल कर देंगे और क्वेश्चन गलत कर देंगे। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपने, देखो फुल स्टॉप लगा, फुल स्टॉप तक क्वेश्चन पढ़ा करो, वहां पे पहली लाइन में जो डाटा दिया हुआ है ना, वो डाटा लिख लिया या दिमाग में रख लिया, उसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करो। एक ही बार में अगर एक फ्लो में पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो 90% बच्चों से सॉल्व नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिस आउट जरूर करोगे, ठीक है। तो यहां पर इसने बोला फुल स्टॉप तक हमने पढ़ा, हमने उस हिसाब से जो अजम्पशन हमारे दिमाग में आई हमने लिखी, उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो पहले हमें कंडीशन दे दी कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, है ना, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 इयर्स लेटर, 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, है ना। तो रोहन की एज भी चेंज होगी, रोहन की एज क्या चेंज होगी, रोहन्स एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3, है ना, x प्लस 3 इयर्स हो जाएगी। अभी अगर 3 साल का है तो बाद में 6 साल का हो जाएगा, अगर अभी 5 साल का है तो बाद में 8 साल का हो जाएगा, 3 साल बढ़ जाएगी उसकी एज। वही रोहन की मदर की एज भी तो बढ़ेगी, वो कौन सा अदर है, उनकी कौन सा एज नहीं होती, बढ़ेगी ना उनकी एज भी। तो x प्लस 26 तो पहले ही थी, इसमें 3 साल और बढ़ गई, यानी x प्लस 29 ईयर्स, यहां तक समझ आया। अब कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 360 के इक्वल है, देखो दोबारा ध्यान से पढ़ लो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ इज विल बी 360, विल बी 360, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 3 इंटू x प्लस 29, 29 ठीक से लिख देता हूं, 29 इज इक्वल टू 360, करो जरा मल्टीप्लाई, x इंटू x x स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 9 तरीके 27, 3 दून 6 और 8 87, हिंदी में आती है मेरे को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो मैं कर लेता हूँ। अच्छा x स्क्वायर प्लस 29x 29x प्लस 3x कितना हो गया 32x, ऐड कर दिया इनको, है ना, और ये इधर आ जाएगा, ले आते हैं पहले ले आते हैं, बच्चे बोलेंगे नहीं तो क्या कर दिया सर, इसको इधर ले आए, 87 में से 360 को माइनस करेंगे, देखो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 32x तो वैसे का वैसा,
है ना। अब माइनस साइन आने वाला है क्योंकि साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर इंटीजर, सिंपल सा फंडामेंटल हमने पढ़ा था, साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर इंटीजर, ग्रेटर कौन सा है 360, तो साइन तो नेगेटिव का ही आएगा, इतना क्लियर हो गया। अब 360 में से जब इसको माइनस करेंगे, 10 में 7 गए 3 बचे और 5 बचेगा ये 15 में से 8 गए 7 बचे और ये 273 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन होगी, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आ जाएगा तो आप राउंड केज निकाल लेंगे, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। ओके, तो मूव करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर और ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, तो अभी जो कुछ भी कर रहे हो छोड़ दो, कॉपी छोड़ दो, पेन छोड़ दो, नोट कर रहे हो नोट करना छोड़ दो, सिर्फ स्क्रीन पे देखो और हमारी तरफ देखो, मेरी बात सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, जब भी डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन आता है, पाइप सिस्टम का क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे इस तरह के, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस जो है उसने 480 किलोमीटर ट्रेवल किया है, कितने टाइम नहीं दिया हमें, टाइम की अब तक कोई फिक्र नहीं है, एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट स्पीड थी, कॉन्स्टेंट स्पीड से उसने 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, कह रहा है अगर जो स्पीड थी वो 8 किलोमीटर कम होती, स्पीड जो थी पहले के मुकाबले 8 किलोमीटर कम होती, यहां पे केस चेंज कर दिया उसने, दूसरा केस दे दिया, पहले केस में वो कुछ और बात कर रहा था, दूसरे केस में, दूसरी स्टेटमेंट में वो अलग केस के बारे में बात कर रहा है, तो दो केस क्वेश्चन हो जाएंगे, ये दो केस बनेंगे इस क्वेश्चन में। तो 8 किलोमीटर अगर कम होती तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते, नॉर्मल टाइम से उसको 3 घंटे ज्यादा लग जाते सॉल्व करने में। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले चैलेंज ये आता है कि हम किसको लेट करें, है ना, किसको लेट करें, स्पीड को लेट करें, डिस्टेंस तो दिया हुआ है, कि टाइम को लेट करें, तो मैं अब आपको बताता हूं, देखो स्पीड को लेट करना ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज यहां पे स्पीड हमें एक यूनिफॉर्म दे रखा है, मतलब स्पीड एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, दूसरी चीज यहां पे स्पीड को ही कम या ज्यादा किया है, दूसरी चीज यहां पर स्पीड को ही कम या ज्यादा किया है, ठीक है, हमें एक पहले वाले की स्पीड दे रखी है और दूसरे में उसी को उसी के रिस्पेक्ट में घटाया या बढ़ाया किया है, तो स्पीड को एक्सलेट कर लेंगे। टाइम को क्यों नहीं कर सकते, सर टाइम को भी तो आगे बढ़ाया है, नहीं टाइम बढ़ाया नहीं है, पहला टाइम हमें बताया नहीं था, है ना। तो देखो स्पीड को अगर एक्सलेट करेंगे, लेट देखो टाइम को लेट करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आर, बोर्ड चाहिए होगा तो यहां पे ये मैं लगा लें, एक्स किलोमीटर पर आर हमने स्पीड मान ली केस वन के अंदर, ठीक है, डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, तो टाइम क्या हो जाएगा, देखो स्पीड क्या होता हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल रिलेशन है ना, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना था 480 किलोमीटर, स्पीड क्या था x किलोमीटर पर आर, तो टाइम क्या हो जाएगा 480 अपॉन x किलोमीटर x आर, ठीक है, ये टाइम आ गया हमारे पास फर्स्ट। अब देखो केस टू की जब बात कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में केस टू था ना, यहां तक का इक्वेशन अभी तक हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड जो थी 8 किलोमीटर कम होती, तो स्पीड इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आर, इस केस में क्या होगा कि स्पीड जो है पहले से 8 किलोमीटर कम हो गई है, समझे बात को, तो वो क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस जो है सेम ही रहेगा 480 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस सेम ही रहा 480 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि जो टाइम था ना, टाइम में 3 घंटे का डिफरेंस आ गया, टाइम जो है अब 3 घंटे बढ़ गया है, तो मतलब पुराने टाइम में से नया टाइम या नए टाइम में से पुराना टाइम माइनस करेंगे तो 3 घंटे आना चाहिए, ये सीधी सी बात हमें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड हमें पता है, पहले टाइम निकाल लेते हैं दूसरे वाला, तो ये टाइम निकालेंगे, है ना, ये टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन वन ले लिया, ये टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 आवर्स, सेम वही रिलेशन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया, टाइम आ गया, ये वाला टाइम हमारे पास क्या आ रहा है 480 अपॉन एक्स माइनस 8 आवर्स, ठीक है। अब देखो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये बात याद रखना, हमेशा ज्यादा टाइम में से छोटे टाइम को माइनस करना, हमेशा बड़े टाइम में से छोटे टाइम को माइनस करना, ज्यादा आर्स में से कम आर्स को माइनस करना, ठीक है। अब देखो ज्यादा और कम तुम्हें कैसे पता चलेगा,
उसके लिए तुम्हें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शंस को बेसिकली जज करना आना चाहिए. जितना बड़ा न्यूमिरेटर जितना छोटा जितना बड़ा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना छोटा फ्रैक्शन का आंसर आता है. इनवर्स रिलेशन होता है, जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना छोटा फ्रैक्शन का आंसर आएगा, ठीक है, और जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा फ्रैक्शन का आंसर आएगा. अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर में था x, x एक वैल्यू है, हमें नहीं पता बड़ी है कि छोटी है, लेकिन यहां पर x के कंपैरिजन में दिया हुआ ना कि x माइनस 8, यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर इस वाले फ्रैक्शन के कंपैरिजन में, इसका डिनोमिनेटर जो है छोटा है बिकॉज x था यहां पर डिनोमिनेटर और उसका x से भी कम है, x से भी कम है, ठीक है. तो यहां पर चले अब देखो इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, है ना. हमने सब्ट्रैक्ट किया 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3r. यहां तक नहीं समझ आया तो दोबारा देख लो, हम हमेशा बड़े वाले टाइम में से छोटे वाला टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज टाइम नेगेटिव नहीं आएगा, क्लियर है. तो यहां पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया x माइनस 8 इंटू x, इनको इनको मल्टीप्लाई कर लिया. अब देखो 480 भी कॉमन ले लेते हैं बार, क्योंकि 480 बार बार मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए, काफी डिफिकल्ट सी चीज रहती है. तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 480 कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बचेगा, पहले 480 कॉमन ले लेते हैं, अभी एलसीएम नहीं लिया, ठीक है, अभी एलसीएम नहीं लेते, 480 कॉमन ले लेते हैं, देखो बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, ये समझ आया, ये चीज बनी. अब इसमें 480 मैंने कॉमन लिया था, अब इसी स्टेप में मैं एलसीएम भी ले लेता हूं, एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू x, और ये x यहां मल्टीप्लाई हो गया तो x, ये x माइनस 8 यहां मल्टीप्लाई हुआ तो ब्रैकेट के साथ x माइनस 8 बिकॉज नेगेटिव था, ब्रैकेट के साथ x माइनस 8 आएगा बिकॉज नेगेटिव था. अब ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करते, माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 480 अभी वैसा का वैसा ही है और इक्वल टू में 3 चल रहा था, इक्वल टू में 3r चल रहा था अभी तक, ठीक है. 480 वैसा का वैसा, x वैसा का वैसा, ये माइनस जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस x, ये माइनस जब इस प्लस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर हो जाएगा प्लस 8, और यहां पर नीचे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और राइट हैंड साइड में क्या था, 3. अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करने चले तो हमने देखा ये x x खत्म हो रहा है, 480 इंटू सिर्फ 8 बच जाएगा, है ना. तो क्या बच रहा है, 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x. ध्यान से देख लो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x को यहां मल्टीप्लाई कर दिया और ये 480 इंटू 8 बच गया. अब ये 3 यहां पे डिवाइड हो सकता है, 480 इंटू 8 को 3 से हमने डिवाइड कर दिया, ये कितने में कटेगा, 160 में, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बच गया, x square minus 8x अभी भी वैसा का वैसा लिखा और 160 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 8 128, तो 1280 आंसर आ गया. अब इसको यहां ले जाएंगे, x square minus 8x minus 1260, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, दिस विल बी आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझे बात को. अगर 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 हमने छोटे वाले टाइम में से बड़ा टाइम माइनस कर दिया होता ना तो अभी शायद हमें फैक्ट नहीं पता चलता, लेकिन जब सॉल्व करते ना तो 4.3 जब हम करेंगे तब आपको बताएंगे, 4.3 4.4 तब आपको पता चलेगा कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, सॉल्व ही नहीं होता क्वेश्चन है.